हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BES क्लासेस पे। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की कि हमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे कि वहाँ के भी हमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितनी सीट्स हैं उनके बारे में बता दिया जाए। पिछली हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बीकानेर, जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, ठीक है, और हनुमानगढ़, इन यहाँ पर जितनी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितनी भी सीट्स हैं या कहाँ कहाँ पे सीट्स हैं, किस उस जो है कि वहाँ पर कितनी सीट्स हैं, तो उस ब्लॉक में कितनी सीट्स हैं, तो वो कवरअप की थी। तो आज भी हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को कवरअप कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, अजमेर की। अब अजमेर की बात करें तो काफ़ी बड़े डिस्ट्रिक्ट है, तो देखते हैं इसके ब्लॉक में कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं। तो अगर हम अजमेर ब्लॉक की बात करें तो अजमेर ब्लॉक में आपके पास 135 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 135। जिसमें अगर हम बात करें तो श्रीनगर है जो अजमेर का, वहाँ पर आपकी सीट्स हैं 7 सीट्स आपकी श्रीनगर में। कितनी हैं? 7 सीट्स। उसके बाद हम बात करें सरवर की, ठीक है, सरवार की, वहाँ पर भी आपके काफ़ी सारी सीट्स हैं, देख सकते हैं आप, 113 से लेकर 129, ठीक है, इतनी सीट्स आपके वहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये पिनसंगा, ये सारी जगह इतनी सारी सीट्स हैं। मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ब्रदर्स एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मसौदा में भी सीट्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल्स के नेम भी दे रखे हैं कि स्कूल में कितनी सीट्स हैं वहाँ पर, ठीक है। और जैसे किशनगढ़ में भी हैं सीट्स 78, और यहाँ से 66 से 78, लगभग 13-14 सीट्स हैं आपके, ठीक है। केकरी में आपके पास सीट्स हैं काफ़ी, ठीक है, ज्वाजा में हैं, और इस तरह से आपके पास सारी सीट्स हैं, आरान में हैं, ठीक है। अजमेर जो मेन अजमेर है वहाँ पर आपकी इतनी सीट्स हैं, वहाँ पर आपकी 6 सीट्स हैं। तो ये देख लीजिएगा भाई, अगर आप अजमेर फिल कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी मेन सीट्स हैं। और इसी के रिगार्डिंग में बच्चों की क्वारी थी कि जयपुर में अगर हमें जॉब चाहिए, हमें कहाँ पर चाहिए जयपुर में, तो हम कौन सा डिपार्टमेंट फिल करें अकॉर्डिंग टू जयपुर। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर जयपुर में आपको जॉब चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप जितने भी निदेशालय हैं उनको अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं, निदेशालय को। वैसे तो अगर आपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में जयपुर फर्स्ट फिल किया है तो दी बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर फिर भी, जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको जयपुर में लेनी है तो आपको निदेशालय जितने भी, वो सबसे पहले आप फिल करें, ठीक है। जयपुर कलेक्ट्रेट, जयपुर कलेक्ट्रेट, इसको अपनी शुरू वाली प्रेफरेंस में रख सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपको जयपुर में जॉब लेनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमने देखा कि अजमेर में हमारे पास कितनी सीट थी, अजमेर में हमारे पास सीट थी 135, ठीक है, अजमेर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में 135 सीट्स हैं। और हाँ जी, उससे पहले सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि LDC में जो RSM SSB वाले विभाग हैं, उन्होंने LDC पोस्ट के लिए जो प्रेफरेंस थी उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी 25 मार्च, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक अपनी प्रेफरेंस फिल नहीं किया, अपनी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फिल नहीं की है, तो प्लीज़ आप कल तक अपने डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फिल कर लीजिए। ड्यू टू कोरोना उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी, और अगर आपने फिल नहीं किया तो प्लीज़ ध्यान से उसको फिल कर लें। आज 24 हो चुका है, तो 25 तक आप अपने उसको प्रेफरेंस को फिल कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं नागौर के लिए। नागौर में कितनी सीट्स हैं? नागौर में लगभग आपको 250 से 300 सीट्स थी। देखते हैं एक बार कितनी सीट्स हैं नागौर में आपके टोटल। तो नागौर में देखिए आपके पास 228 सीट्स। कितनी सीट्स हैं नागौर में आपके पास? 228, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार किस किस ब्लॉक के किस किस, मतलब कहाँ पर कितनी सीट्स हैं। नागौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डीडवाना में आपके पास ये हैं 18 सीट्स, ठीक है। डीडवाना में आपके पास कितनी सीट्स हैं? 18 सीट्स है। उसके बाद हम दिगाना की बात करें तो वहाँ पर है आपके पास 22, ठीक है, 40 माइनस 18 22। तो दिगाना में आपकी 22 सीट्स है। तो आप अपने ब्लॉक के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं कि वहाँ पर कितनी सीट्स हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं है, उस अकॉर्डिंग आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को फर्स्ट रखना। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस जो आपको सेट लगे, सूटेबल लगे आपको, वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसी में जयाल में, तो ये सीट्स हैं आपके पास जयाल में 53, यानी 13 सीट्स आपके पास। कितनी सीट्स हैं?
ठीक है। इसी तरह से आप सारी देख लेना, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको वहाँ पर सीट्स उस अकॉर्डिंग मिले तो उस अकॉर्डिंग आप इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में आप रख सकते हैं। तो हमने देख लिया कि हमारे पास नागौर में कितनी सीट्स थी, 228, और अजमेर में हमारे पास थी लगभग 135 सीट्स। आगे बात करते हैं हम, हाँ जी, कोटा की बात करें तो कोटा में आपके पास हैं, देखिए टोटल सीट्स जो हैं कोटा में आपके सीट्स 136, लगभग अजमेर के बराबर ही है। अजमेर कोटा में इक्वल्स सीट है, उसमें 135 और इसमें 136 सीट्स हैं, ठीक है। अगर अलग अलग बात करें, देखो सुल्तानपुर में आपके पास सीट्स पड़ी हैं, यहाँ पर कितनी सीट्स है सुल्तानपुर में आपके पास, सुल्तानपुर में 36 माइनस 13, तो आपके पास 23 सीट्स आपके पास सुल्तानपुर में पड़ी हैं, ठीक है। इसी तरह से संगोद में पड़ी हैं आपके पास कितनी सीट्स, ये पड़ी हैं आपके पास संगोद में काफ़ी सारी सीट्स पड़ी हैं भाई, 12 और 13, 25 सीट्स लगभग, ठीक है, संगोद में पड़ी हैं। लादपुरा में भी आपके पास काफ़ी सीट्स पड़ी हैं। जो मेन कोटा है, मेन कोटा की बात करें तो कोटा में आपके पास पड़ी हैं सीट्स 72 और यहाँ से 60 से 12 सीट्स वाली मेन कोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो मेन है सिटी, वहाँ पर आपके पास 12 सीट्स हैं, ठीक है। और इस तरह से खैराबाद में ये सारी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको इसको फिल करना है। इटावा में कितनी है, इटावा में आपके पास सीट्स हैं, काफ़ी सीट्स हैं इटावा में, 28, ठीक है। तो 28 आपके पास इटावा में सीट्स हैं, मतलब टोटल आपके पास कोटा में 136 सीट्स हैं। तो अगर आप कोटा को फर्स्ट प्रेफरेंस रख रहे हो, एजुकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट कोटा फिल किया है और आप उसे एजुकेशन में फर्स्ट रख रहे हो, तो आप अपनी सीट्स कंसीडर देख लेना यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास बच्चों ने जो क्वेरी में पूछा था नागौर का, बोला था कि हमें नागौर के बारे में बता देना, ठीक है। नागौर मैंने आपको कवर अप करवा दिया कि नागौर में कितनी सीट्स हैं। झालावाड़ का आपसे हमसे पूछा गया था, और सीकर, देखते हैं झालावाड़ और सीकर में कितनी सीट्स हैं। सीकर की हम बात करें, सीकर में सीट थोड़ी कम थी, देखते हैं कितनी है। हाँ जी, देखिए सीकर में सिर्फ 59 सीट्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सीकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, 59 सीट्स ही हैं। तो आप देख लेना, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर सीकर आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आपने सीकर फिल किया था फर्स्ट प्रेफरेंस में, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में, तो आप कलेक्ट्रेट वगैरह भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करें हम सीकर की, सीकर में देखिए यहाँ पर दंतरगढ़ में है 6 सीट्स, ठीक है। उसके पास आपके पास दौड़ में, देखिए आपके पास स्कूल्स भी दिए हुए हैं कि यहाँ पर किस किस स्कूल में सीट्स खाली है। तो जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोसल वाले में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बारिजा वाले में है सीट, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल्स भी आपको बता रखें किस स्कूल में कितनी सीट्स खाली है, नंबर ऑफ सीट्स हैं ये है आपके पास उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ब्लॉक है। जैसे सीकर डिस्ट्रिक्ट में दंतरगढ़ के ब्लॉक में ये स्कूल्स है, और उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी वैकेंट आपके पास पड़ी हैं, ठीक है। इसी तरह से फतेहपुर में आपके पास सीट्स पड़ी हैं, खंडेला में आपके पास सीट्स पड़ी हैं, लक्ष्मणगढ़ में, ठीक है, नीम का थाना में, और इस तरह से आप देख लेना। सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। उससे पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप सभी को ही पता है कि कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस बहुत ही बहुत 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 बड़ी महामारी बन चुका है, बहुत एक एपिडेमिक बन चुका है। तो प्लीज़ बी सेफ, अपने घरों में रहिए। जो हमारी जो गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन टाइम डिसाइड किया है, तो प्लीज़ उसमें सेफ रहिए, ठीक है। अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, बार बार अपने हैंड वॉश करिए, सब इंस्ट्रक्शंस का आपको पता ही है। तो उस अकॉर्डिंग अपना सेफ रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं झालावाड़ की। देखिए झालावाड़ में नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी हैं, अगर हम बात करें झालावाड़ में, तो झालावाड़ में आपके पास नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 233, 233 है अभी झालावाड़ में नंबर ऑफ़ सीट्स। तो जिन्होंने झालावाड़ के बारे में पूछा था, तो स्टूडेंट्स देख लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में 233 सीट्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंट हैं, 233 सीट्स, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कितनी सीट्स हैं। जैसे क्लेरा में आपके पास सीट्स हैं 28 सीट्स, ठीक है, 28 सीट्स आपके पास अकलेरा में है। नेक्स्ट हम बात करें बकानी में, तो वहाँ पर आपके पास हैं
22, ठीक है, बकाने में आपके पास 22 सीट्स हैं, 50 माइनस 28। उसके बाद हम बात करें भवानी मंडी में, तो भवानी मंडी में आपके पास सीट्स हैं 26, काफ़ी सीट्स हैं झालावाड़ में, भवानी मंडी में आपके पास 26 सीट्स हैं। दाग की बात करें तो वहाँ पर आपके पास है, तक है ना, 77 से 113, तो ये आपके पास होगी लगभग 37 36 सीट्स होंगी आपके पास दाग में। तो काफ़ी सीट्स हैं, आप झालावाड़ के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो मेरी सजेशन यही है कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। अब देखिए कि मैंने सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ही क्यों लिया, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट की वीडियोस क्यों बता मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं हमारे पास वो आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही है। नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और साथ में अगर आप अपनी जॉब के चलते चलते अगर आप अपनी जॉब के चलते चलते प्रोबेशन पीरियड के चलते चलते आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। अगर किसी और भी आपको किसी भी और डिस्ट्रिक्ट के आपको नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, एजुकेशन डिपार्टमेंट कितनी सीट्स है, नॉलेज लेनी हो तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिन्होंने भी प्रेफरेंस फिल करनी है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और किसी भी डिपार्टमेंट में की सीट्स को लेकर या किसी भी कि किसमें कितनी सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग आपके LTC की जॉब के रिगार्डिंग, तो आप हमें मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको जल्दी ही आपका रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अलग रहिए, कोरोना वायरस से बचिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।